My name is Sangeeta and You're watching my channel, My English Magazine. Now, today I explain to you My English Magazine two. In this, I use the Hindi and English grammar both. Means, blingually For those students who wants to learn with English and Hindi, so now I explain to you the clause, principal clause. What is a principal clause? Okay. Now I explain to you about the प्रिंसिपल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज किसी सेंटेंस में वे क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं होता ये अपने आप में फुल मीनिंग देता है और ऐसे क्लॉज में उसकी अपनी मेन वर्ब जो होती है वो काम करती है वो फंक्शन करती है नाउ द नेक्स्ट आई एक्सप्लेन टू यू विद द एग्जाम्पल वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस नाउ आई एक्सप्लेन टू यू द एग्जाम्पल ऑल्सो राम सेट दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी राम ने कहा इस वाक्य में राम ने कहा प्रिंसिपल क्लॉज है ओके okay. यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है ना राम सेड तो देनाओ सबऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट क्या होता है अब ये बताती हूँ मैं आपको सब ऑर्डिनेट किसी में वे क्लॉज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता और जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर करता है डिपेंड करता है जो तो वो क्या कहलाएगा सब ऑर्डिनेट मीन्स सब ऑर्डिनेट क्लोज किसी सेंटेंस में वे क्लॉज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है जो अपना फुल मीनिंग नहीं देता है और जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर करता है और ऐसे क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज अधिकतर दैट इफ वैन सिंस बिकॉज आदि से आरंभ होता है इट इज स्टार्टिंग विद दैट वैन सिंस बिकॉज ओके अब जैसे ये राम सेट द श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना यहां पर आई यूज दैट वर्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से अब यहां पर देखो नाउन क्लॉज एब्जेक्टिव क्लॉज एडव क्लॉज नाउन क्लॉज क्या है वे सबऑर्डिनेट क्लॉज आशित उपवाक्य जो नाउन की तरह कार्य करता है तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं उसे उसे नाउन क्लॉज कहते हैं एग्जाम्पल टेल मी हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास टेल मी हुफ्ट द बैग इन द्लास मुझे बताओ कि तुमने क्लास में अपना बैग छोड़ा इस तरह से दैट इज अबिनेट क्लोज नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लॉज आश्रित उपवाक्य जो एड्जेक्टिव की तरह काम करता अर्थात एक क्लोज किसी दूसरे क्लोज में आने वाले नाउन या प्रनाउन की विशेषता प्रकट करे उसे एड्जेक्टिव क्लोज कहते हैं इसमें क्या है एक क्लोज किसी दूसरे क्लोज में आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करें उसे एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं अब इसमें एग्जाम्पल देखो द पेन विच हैज़ अ येलो कैप इज अ तो यहाँ पर बताया ना एडजेक्टिव येलो कैप तो इस तरह से वो दूसरे पे डिपेंड भी करता है एडवर्ब क्या होता है वे सबोर्डिनेट क्लॉज आशी वाक्य जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है अर्थात एक क्लोज किसी दूसरे क्लोज में आने वाले क्रिया यानी वर्ब की विशेषता प्रकट करे उसे एडवर्ब क्लोज कहते हैं कैसे जैसे एग्जाम्पल ही मे कम वेन एवर ही वॉन्ट वेयर एवर ही वॉन्ट इस तरह से वे जब कभी भी चाहे आ सकता है ओके नाउ दिस इज कंप्लीटेड टूडे Thank you. Thank you very much. Thank you guys.